Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. बस करो यार, बहुत हो गया। चलो राधा, बीच पर चलते हैं, समंदर के किनारे फोटोग्राफ्स लेते हैं। नहीं नहीं मुझे बीच बीच पर नहीं जाना है। क्यों क्यों क्यों? अरे यार, एक दीवाना पागल है, एक बरस से मेरे पीछे पड़ा है। मैं जब भी बॉम्बे के फ्लैट लेकर यहाँ आती हूँ, वो कहीं ना कहीं आकर मेरे सामने टकरा जाता है। कभी रेस्टोरेंट में, कभी बुक शॉप में, और कभी समंदर के किनारे। बस यही जगह सेफ है। महीने लाइन मारी, बारह महीने लाइन मारी, फिर भी लगान नंबर। बारह महीने लाइन मारी, फिर भी लगान नंबर। जनवरी में शुरू किया था, आ गया दिसंबर, मेरा फिर भी लगान नंबर, मेरा फिर भी लगान नंबर। और मार्च तलक तूने मुड़कर भी न देखा, जैन फेब और मार्च
तलक न मुड़कर भी न देखा, अप्रैल से मई तलक मैंने तेरा रास्ता देखा, जून जुलाई लाए जुदाई, हुई अगस्त में रुसवाई, सितंबर अक्टूबर बीता तुझे दया न आई, अरे तुझे दया न आई, मेरी हालत देख के मुझ पे मेरी हालत देख के मुझ पे हंसने लगा नवंबर, जनवरी में शुरू किया था आ गया दिसंबर, मेरा फिर भी लगा न नंबर, मेरा फिर भी लगा न नंबर। महीने तक तो दिल ने सब्र कर लिया जाना, बारह महीने तक तो दिल ने सब्र कर लिया जाना, हान करोगी अब तुम तो मर जाएगा दीवाना, बिगड़ जाओ अब तो पत्थर की देवी, तू मान मेरा कहना, आज बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना, मेरे दिल का कमरा खाली है, मेरे दिल का कमरा खाली है, तू आ जा इसके अंदर, जनवरी में शुरू किया था आ गया दिसंबर, मेरा फिर भी लगा न नंबर, मेरा फिर भी लगा न नंबर। जाने दो नंबर जा तेरा नहीं लगेगा नंबर, अरे अरे लग जाने दो नंबर जा, जा तेरा नहीं लगेगा नंबर। मेरे दिल में कर गई पंचर, बेटे नारायण को शादी की बहुत बहुत बधाई देना, और उसकी दुल्हन को मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा देना। जी डैडी। हाँ नमस्ते। कैसे रहो बेटा? शंकर अब तो तेरा बेटा डॉक्टर भी हो गया है और प्रैक्टिस भी खूब चल निकली है। सब तेरी कृपा से जगन्नाथ, तुझसा दोस्त ना होता तो उसका डॉक्टर बनना नामुमकिन था। फिर वही बोरिंग बात। अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी रुक्मणी की और शाम की शादी पक्की कर दें और इसी साल ब्याह भी रचा दें। हाँ हाँ क्यों नहीं जगन्नाथ, शाम नरेन की शादी से वापस आ जाए, ये शुभ काम भी कर देते हैं। वादा? हाँ भाई वादा।
एक्सक्यूज मी, एक ग्लास पानी प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस। यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? करने को तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। फिलहाल अगर आप मेरे लिए एक गरम चाय। चाय? चाय से तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी हवाई जहाज में सफर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। तो कॉफी सर? कॉफी तो इंटेलेक्चुअल्स पीते हैं। सो कैन आई गेट यू सम कोल्ड ड्रिंक? ओफ, वो तो बच्चे पीते हैं। देन आई एम अफ्रेड सर आई। देखिए, अब आप मुझे कुछ पिलाना ही चाहती हैं तो फिर आप मेरे लिए एक ग्लास दूध ले आइए। श्योर सर। योर मिल्क सर। ओहो, अंग्रेजी भाषा में यही तो गड़बड़ है। जी सर। आपने कहा ना योर मिल्क सर, ये दूध मेरा नहीं है, मेरे लिए है। एक्सक्यूज मी मिस। यस सर। देखिए ना, इस वक्त हम धरती से हजारों फुट ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, सितारों के पास से गुजर रहे हैं। ऐसे में कोई ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी की मैगजीन होगी जो मुझे मेरे सितारों का हाल बता सके। आई एम सॉरी सर, इस वक्त आप हवा में उड़ रहे हैं। ज्योतिष और सितारों वाली किताबें तो आपको कभी मिलेंगी जब आप जमीन पर उतरेंगे। आई सी। ओके सर। हाँ, बात है भाई, समझ गया। दा 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 दा। अरे अरे, सुन 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 सुन, धरती पर उतरते ही मुझे अपने सितारों का हाल मालूम हो गया। और देखिए ना, ज्योतिष विद्या भी कितनी सही है, लिखा है कि कल जिस हसीना से मुलाकात हुई थी आज फिर मुलाकात होगी। और देखिए, हो गई। जी जी हाँ, चलिए इसी बात पर रेस्टोरेंट में कप चाय हो जाए। जी नहीं जी नहीं, रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीने से ऐसे लगेगा कि हम रेस्टोरेंट में नहीं किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर चाय पी रहे हैं। मारिए गोली चाय को, कॉफी पीते हैं? ना ना ना, कॉफी तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स पीते हैं। तो फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक, लिमका जूस? ये सब तो सिर्फ बच्चे पीते हैं, और माफ कीजिएगा, मुझे दूध पीने की आदत नहीं है। हाँ? सही जा रही हो, लेकिन सुनिए, आज के सितारों के कॉलम में ये भी लिखा है कि मुलाकात भी होगी और बात भी आगे बढ़ेगी। क्या बात आगे बढ़ेगी? यही जान पहचान। चलिए ना, रेस्टोरेंट में चलकर कुछ देर बातें करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर आप मेरा नाम पूछेंगे? करेक्ट, क्या है कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए नाम का जानना बहुत जरूरी है ना। नाम जानने के बाद आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैडम, आपका किसी के साथ इश्क तो नहीं चल रहा है? करेक्ट। उसके बाद ये जानने के बाद कि मेरा किसी के साथ इश्क नहीं चल रहा है, आप कहेंगे कि हुस्न की देवी, मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहता हूँ। यकीनन। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Definitely. दो बच्चों की माँ बनाना चाहता हूँ। Correct. क्या है कि फैमिली प्लानिंग का जमाना है ना। अरे, आप तो पूरी ज्योतिषी हैं, सबको समझ गई। Shut up. आप अपना रास्ता ना पिए, वरना। अरे, वरना क्या? कल तो हवाई जहाज में कितने प्यार से मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रही थी, यस सर यस सर, आज क्या हो गया? हवाई जहाज में मुस्कुराना मेरी ड्यूटी है। हाँ? वहाँ मुस्कुराने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। हाँ? समझा? गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट बात है, पर अपन भी छोड़ने वाले नहीं। और यहाँ कैसे आ गया? कौन? ये तो डॉक्टर श्याम है, इनके जिगरी दोस्त। तुम्हारे पति का दोस्त? यार ये बड़ा चालू है, पता है? हवाई जहाज से मेरे पीछे पड़ गया, कल बाजार में भी मेरे पीछे पड़ गया था। तो चीज ही ऐसी है। पर एक बात बता यार, ये डॉक्टर वॉक्टर तो कहीं से नहीं लगता है, कहीं ये जानवरों का डॉक्टर तो नहीं है?
ये हार्ट स्पेशलिस्ट है। क्या सच? दिल का डॉक्टर। आपके सामने हाथ जोड़ू, आपके पांव पड़ू, अपना सर फोड़ू, क्या करूं? क्या हुआ? अपनी सहेली से मेरा चक्कर चला दीजिए ना, घास भी नहीं डालती। राधा बहुत अच्छी लड़की है। राधा बहुत अच्छी लड़की है तो क्या मैं बुरा हूँ? वैसे भाभी, राधा और श्याम की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे हिम्मत है तो उसके साथ जाके नाच और फिर अपना चक्कर चला। जाकर नाचो? बिल्कुल, चक्कर चल जाएगा जरूर। तो फिर मैं चला। चला, जय माता दी। राधा जी, मेरा दिल आपके साथ नाचने को कर रहा है। जी जी हाँ राधा जी, क्यों नहीं हो जाए। मेरे मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद मैं अपने आप को बहुत अकेली समझने लगी थी। जब से तुम मिले हो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। अरे जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखिए, आपकी खूबसूरत जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? प्राइवेट, इधर आओ। तो फिर चले मेरे होटल? होटल नहीं, मेरे घर चलते। तुम्हारे घर क्यों? और जल्दी करो। अरे प्राइवेट बात सुनते ही तुम्हें मुझसे भी ज्यादा जल्दी लग गई। नहीं बाबा, जल्दी इसलिए कि शाम भी हो रही है और वो देखो बारिश का असर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है। करनी नहीं, कहनी है। अरे कहनी नहीं, करनी है। क्या? हाँ। क्या? क्या? आओ ना। ओह माय, एकदम भीग गए ना। हाँ। चलो कपड़े बदल लेते हैं। मुझे क्या अपनी साड़ी पहनाओगी? साड़ी नहीं, मेरा लुंगी कुर्ता, ये लो, जल्दी से बदल लो। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है।
अरे वाह, लुंगी कुर्ते में बहुत अच्छे लग रहे हैं जनाब। मगर आप तो मुझे बिना लुंगी कुर्ते के भी बहुत अच्छी लगती है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि साड़ी में, सलवार में, कमीज में, नाइटी में, इसमें, इसमें। ना बाबा ना, क्यों? कभी कभी एक छोटी सी गलती भी जिंदगी भर के लिए गुनाह बन जाती है। क्या हुआ, सर्दी हो गई? हाँ, ए कहाँ जा रही हो? दवा लाने। अरे सर्दी की दवा तो तुम ही हो। पापा कहते थे जब सर्दी हो जाए तो ये दवा पियो। है? ये तो ब्रांडी है, दारू है। दारू नहीं, दवा है, पियो। है? मैंने कहते, मेरे पापा कहते थे। मैंने कहा नहीं सर्दी उतारेगी। तुम्हें भी सर्दी हो गई है, मैं भी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? दवा लाने तुम्हारे लिए। चलो लो ये दवा पी लो। अरे ये दारू है? ये दारू नहीं, ये दवा है। मैं नहीं कहता, तुम्हारे पापा कहते थे। तुम सर्दी लग गई, चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये दवा अंदर गई और सर्दी बाहर आ गई। चलो मुंह खोलो जल्दी से। गुड गर्ल, गुड गर्ल। लो 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 लो, कितना मजा आएगा। हम तुम्हारे पापा की दवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। तूने जाम लबों से पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, रे मुझे एक शराबी बना दिया। जाता है जब
तू नागिन सी चलती है, जब तू नागिन सी चलती है मुझे और नशा चढ़ जाता है। अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया मुझे, एक शराबी बना दिया रे मुझे, एक शराबी बना दिया। तुम्हें कहीं देखा है? अच्छा, तू कुछ कुछ ऐसी लगती है, तू कुछ कुछ ऐसी लगती है, मुझे रेखा जैसी दिखती है, मुझे बहुत चढ़ गई है शायद, तू डबल रोल में लगती है, मुझे दो दो रेखा दिखती है रे मुझे, दो दो रेखा दिखती है। अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया मुझे, एक शराबी बना दिया मुझे, एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये सब सावन का कसूर है। नहीं नहीं तो, ये तेरी नजर का कसूर है, तूने जाम लबों से पिला दिया, हम दोनों को शराबी बना दिया रे, हम दोनों को शराबी बना दिया, हम दोनों को शराबी बना दिया। ये जो है उसका सुरूर। Excuse me, Dr. Shyam. Call for you from Bombay. Thank you. You're welcome. Hello, Dr. Shyam here. What? Oh my God. मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ रहा हूँ। जी हाँ। क्या बात है शाम? जगन्नाथ अंकल और पापा का एक्सीडेंट हो गया। जगन्नाथ अंकल की डेथ हो गई। पापा बहुत सीरियस है, मुझे आज ही बॉम्बे जाना होगा। चलो। डैडी, कार एक्सीडेंट में मेरे दोस्त जगन्नाथ
जिनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इस दुनिया से चले गए, उनको दिया हुआ वचन तुम्हें पूरा करना होगा। कैसा वचन डैडी? जगन्नाथ की बेटी रुक्मिणी ने कहा, तुम्हारे हाथ में सौंपने का वचन बेटा। क्या मेरे हाथ में? मेरी अंतिम सांस निकलने से पहले मेरी आंखों के सामने तुम्हें रुक्मिणी को अपनी पत्नी स्वीकार करना होगा। डॉक्टर श्याम, मैंने तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैरिज रजिस्ट्रार को यहां पर ही बुला लिया है, वो आ गए। लेकिन डैडी, मैं बेटा, बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरे वचन की लाज रख ले डैडी। हेलो, डॉक्टर श्याम है? जी नहीं, वो तो मद्रास गए हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। देखिए, उनके डैडी का एक्सीडेंट हो गया था, अब उनकी तबीयत कैसी है? एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं डॉक्टर श्याम की पत्नी बोल रही हूँ। उनके लिए कोई मैसेज? जी जी नहीं। वकील साहब, आपकी फाइल। और हमारी फीस? रात को, रात को। रात को नहीं, अभी नहीं, अभी क्यों? नहीं। अरे राधा जी, आप आइए आइए। इतने दिन कहाँ गायब हो गई थी? चला चलो भाई, अब आप दोनों सहेलियां जम के बातें करो। तो रमा जी। हाँ जी। तो फीस तो खैर कोई बात नहीं, कल मैं डबल फीस वसूल कर लूंगा। शर्म भी नहीं आती इनको, चला। तो रमा, हाउस मैरिड लाइफ ट्रीटिंग यू? अरे क्या बताऊं, दिन चांदी के, रातें सोने की। मुझे मालूम नहीं था शादी के बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, फिर तो तेरी शायरी में भी चार चांद लग गए होंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं, एक ताजा शेर सुन। सुना। मेरे मरने के बाद, मेरे जलाने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, कहीं ऐसा ना हो वो भी जल जाए जो मेरे दिल में रहते हैं। वाह, बहुत अच्छे रमा। अब तो हमारा मिलना कभी कभी होगा। क्यों? मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैंने चंडीगढ़ भी छोड़ दिया है, आजकल मैं कश्मीर में रहती हूँ। कश्मीर में? ये सब अचानक कैसे बदल गया? अरे हाँ, एक बात याद आ ही रहा था। क्या? वो तेरा आशिक था ना डॉक्टर श्याम, उसकी शादी हो गई। अच्छा अच्छा, इतना छोटा सा? अच्छा क्या बात है राधा,
सब खैरियत तो है? राधा, तेरा
फॉलो योर लाइन ऑफ ट्रीट ठीक है, तुम संभाल लेना सर। आपके श्रीनगर के दोनों टिकट कंफर्म हो गए हैं। गुड। और पहलगांव में होटल रिजर्वेशन भी हो गया है। थैंक यू, मैंने डॉक्टर भंडारी को समझा दिया है, कोई भी इमरजेंसी हो मुझे फोन फोन कर देना। यस सर। ओके ओके डॉक्टर श्याम, हैव अ नाइस हॉलिडे विद भाभी। थैंक यू, बाय बाय। ओके सर। आपका क्या नाम है बेटे? दिपेंसी। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। प्यार से मुझे मम्मी डॉली भी बुलाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। आप तो बिल्कुल डॉली लगती है मिस दिपेंसी। आप बिल्कुल हमारे पापा जैसे लगते हैं। अच्छा, आपके पापा जैसे? हाँ, पापा जैसे अंकल। क्यों जी, कुछ दाल में काला तो नहीं है? अगर दाल में कुछ काला होता तो बर्फ के इस उजले गाँव पहलगाँव में तुम्हें लेकर नहीं आता। वैसे मिस दिपिंती, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? अपने घर। आइए ना अंकल, मैं आपको अपने पापा की तस्वीर दिखाती हूँ। आइए ना। मिस दिपिंती, अभी तो हमें कहीं जाना है, क्यों? अरे बच्ची कह रहे तो हो, आइए ना। डॉली, कहाँ है आपका घर? सामने। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं, आइए। आप हो आइए, मैं सामने की दुकान से कुछ मैगजीन्स खरीद लेती हूँ। ओके, चलिए मिस दिपंती, चलिए। वो रही मेरे पापा की तस्वीर। और अंकल, वो रही मेरी मम्मी की तस्वीर। है ना बिल्कुल आप जैसी? कहीं आप भी तो मेरे पापा नहीं है अंकल? बोलिए ना अंकल प्लीज। बेटे, हम तुम्हारे पापा जैसे अंकल हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ? काम पे गई है। अंकल, मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, क्या है आपका नाम? हमारा नाम श्याम है बेटे। श्याम, बिल्कुल मेरे पापा जैसा नाम। मम्मी कहती थी पापा एक बार चले गए फिर वापस ही नहीं आए। पापा लोग बहुत गंदे होते हैं, है ना अंकल? हाँ बेटे, शायद। जब मैं ऐसा बोलती तो मम्मी मुझे बहुत डांटती है। अच्छा। हाँ, लेकिन मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, बस पापा नहीं लाते थे। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं, फिर मिलने आएंगे। आओगे ना अंकल? हाँ बेटा। चलिए मैं आपको छोड़ आती हूँ, आइए। बाय बेटा। बाय बाय आंटी। बाय डॉली। देखा है तस्वीर, तुम्हारी तो नहीं है? बच्चे भी खूब होते हैं, चलो। मम्मी मम्मी, मालूम है आज सुपेर को मुझे पापा जैसे अंकल मिले थे। पापा जैसे? हाँ। देखो डॉली, कोई भी अंकल इस दुनिया में तुम्हारे पापा जैसे नहीं हो सकते, समझी? नहीं मम्मी, वो सचमुच पापा जैसे थे और उनका नाम भी था श्याम।
फिर मैं उनको घर पे लाई, आपकी और पापा की फोटो दिखाई। फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, आपकी तरह। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। अभी देती हूँ। कहीं आप भी तो मेरे पापा नहीं अंकल? बोलिए ना अंकल प्लीज। मम्मी वो सचमुच पापा जैसे थे और उनका नाम भी था श्याम। लेकिन मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करते, बस पापा नहीं लाते थे। Yeah.
जमाने के बाद आए राधा, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। तुम्हारे वहां से लौटने के बाद जिंदगी में कैसा मोड़ आया के? हाँ, मैंने मालूम किया था तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। शादी मुबारक हो श्याम। राधा, मैं तुमसे कोई शिकायत तो नहीं कर रही हूं। शिकायतों के जवाब तो आदमी दे लेता है राधा, लेकिन जहां शिकायतें ना हो वहां बिना पूछे सब कुछ बताना पड़ता है। मैं उसी वक्त तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। मैं चंडीगढ़ भी गया तुमसे मिलने, तुम्हें बताने, लेकिन वहां जाकर पता चला कि तुम वो घर और चंडीगढ़ छोड़कर कहीं चली गई हो। विपिनती मेरी कोख में थी श्याम, उसे जन्म लेना था। मैंने इंडियन एयरलाइंस में भी पता किया, मालूम हुआ तुमने रिजाइन कर दिया है। वहां भी तुम्हारा कोई अगला पता नहीं मिला। मिलता भी कैसे, मुझे खुद अपना अगला पता मालूम नहीं था। डॉली मेरे पेट में थी, मेरे लिए रिजाइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था श्याम। खैर मेरी छोड़ो, आपने सुना तुम कैसे हो, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सच बोलना आसान तो नहीं है, लेकिन राधा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इतना बड़ा सच तुम ही बोल सकते हो श्याम, यही तुम्हारी महानता है। लेकिन मेरे दिल पर सबसे बड़ा बोझ यही है राधा, कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का रूप बिगड़ गया।
तुम्हारी खुशियां छीन गई। नहीं श्याम, मैं बहुत खुश हूं डॉली के साथ, मैं बेहद खुश हूं। फिर भी राधा, मैं तुम्हारे लिए, डॉली के लिए सब कुछ कर सकता हूं। सबसे बड़ा दान तो तुमने मुझे दे दिया है श्याम, अब डॉली ही मेरी जिंदगी की सबसे कीमती धरोहर है। लेकिन राधा, श्याम जो पेड़ पीछे छूट गए हैं ना, उनकी छाया के लिए कोई लौटा नहीं करता। तुम चिंता मत करो श्याम, मेरी जिंदगी में बहुत घनी छाया है, डॉली की छाया, वो छाया भी तो तुम्हें ने दी है। Excuse me. Yes. देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ ऐसी औरतों के बारे में जानकारियां हासिल कर रही हूँ जिन्हें हालात, समाज और इस दुनिया ने सारे दुख सहने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी बहुत कुछ। मुझे पता चला कि आपने भी अपनी जिंदगी में अकेले बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष? कैसा संघर्ष? यह है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में था और वो कहीं चला गया, और आप दोनों माँ बेटी अब अकेली रहती हैं। तो इसमें बताने को क्या है? जिंदगी के बहुत से रूप होते हैं, और देखिए मैं अखबारों और जर्नलिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मुझे माफ कीजिए। सुनिए राधा जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आपकी बातें कहीं नहीं छपेंगी। आखिर मैं भी औरत हूँ, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि जब औरत की जिंदगी में ट्रेजेडी होती है तो कुसूरवार मर्द है या औरत, समाज है या हालात या कुछ और। अच्छा चलिए पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? यह कि आपकी जिंदगी में जो इंसान आया वो कौन था, और क्या वजह है आज वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है? वो एक छोटी सी कहानी है, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उसके बाद मैं चंडीगढ़ छोड़कर श्रीनगर आ गई, वहां एक ट्रैवलिंग एजेंसी में मुझे नौकरी मिल गई, वहीं डॉली पैदा हुई। उसके बाद बस यहाँ आ गई, मुझे शाम से कोई शिकायत नहीं है, मैं डॉली के साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे भीतर की औरत जाग पड़ी है, मुझे तुम जैसे कमजोर औरत पर गुस्सा आ रहा है। तुम जैसी औरतें मर्दों को खुले खिलवाड़ का मौका देती है, बिना शादी के उनकी हवस का शिकार बनती है और उसे प्यार समझती है। प्यार का हर पल समान होता है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद में, उसे हवस का गंदा नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन बिना शादी का प्यार कलंक बन जाता है, तुम जैसे कमजोर औरतें उसे बर्दाश्त करती है। जिस मर्द ने तुम्हें उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां जीवन में सारे अंधेरे हैं, तो उसे मर्द से रोशनी का हक क्यों नहीं मांगती? क्यों अंधेरों में गुमनाम जिंदगी गुजारना चाहती हो? जाओ और उससे सारे अधिकार और हक मांगो, अपने बच्चे के लिए बाप का नाम मांगो, अपने लिए मां का सिंदूर मांगो। मैं जानती हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारी ये कहानी सारे अखबारों में छपवाऊंगी। नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं फिर आऊंगा, ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। इतनी सारी चीजें? अंकल अब बहुत अच्छे हैं। मैंने मम्मी से कहा था कि पापा जैसे अंकल मैं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी अंकल तुम्हारे पापा जैसे नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ। देखो बेटे, तुम्हारी मम्मी से बाद में मिल लेंगे, ये चीजें रख लो। नहीं अंकल, वैसे भी आपको घर के लाई पड़ेगा, इसकी दो वजह। क्या? नंबर एक, आप इतनी सारी चीजें लाए हैं तो मैं कैसे उठा कर ले जाऊंगी। नंबर दो, मम्मी ने मना किया है किसी से भी कोई चीज नहीं लेना, तो आप उनके सामने चलके मुझे दीजिए, तब मैं लूंगी। चलिए ना अंकल, प्लीज।
चलो बेटे। मामी मामी, देखो मैं पापा जैसे अंकल को लाई हूँ, कितनी सारी चीजें लाए मेरे लिए। तुम ये सब ले जाओ और खेलो, मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बातें करनी है। अच्छा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू अंकल। ये लो बेटा। क्या बात है राधा, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ देर पहले एक औरत आई थी, उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने उस पर भरोसा कर लिया। उसने अपने बारे में और डॉली के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद मुझे ये धमकी दे गई है कि वो ये सब कुछ अखबारों में छपवा देगी। अखबारों में छपवा देगी? हाँ, मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं है श्याम, लेकिन अगर ये सब कुछ अखबारों में छप गया तो तुम्हारी पत्नी के मन को कितना दुख पहुंचेगा, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी। लेकिन वो औरत कौन थी? रुक्मिणी। श्याम की पत्नी, यही मेरा परिचय है राधा। श्याम, ये सब अब तक तुमने मुझसे छुपाया क्यों? छुपाया नहीं रुक्मिणी, लेकिन तुम्हें बताने की कोई जरूरत, कोई मौका ही नहीं आया। राधा ने गुमनाम की जिंदगी ओढ़ ली, इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी। मौका इसलिए नहीं आया क्योंकि डॉली अभी छोटी है। मैं तुमसे पूछती हूँ श्याम, जिस दिन डॉली बड़ी होकर अपने पापा के नाम की तलाश में निकलेगी, तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? और राधा, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा डॉली को देने के लिए? जब डॉली बड़ी होगी तो वक्त बहुत बदल जाएगा। वक्त बदलने से बदलता है, अपने आप नहीं। ये बदल सकते थे वक्त को, लेकिन ये खुद बदल गई। अगर ये अपने मरते हुए डैडी की बात ना मानते तो इन चार जिंदगियों का रूप कुछ और ही होता। श्याम, तुम्हारी जिंदगी में राधा मुझसे पहले आई, बाद में आती तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करती। लेकिन लेकिन तुमने मुझसे शादी करके राधा के सारे हक छीन लिए। मैं तो ऐसा नहीं मानती। इन्हें दोष मत दो, जिंदगी कई मंजिलों से गुजरती है। शायद मेरी मंजिल श्याम नहीं थे। नहीं राधा, सच तो ये है, जहां आज मैं हूं वहां तुम्हें होना चाहिए था। तुम इनकी जिंदगी की पहली सच्चाई हो। उस वक्त ये अकेले थे तो वक्त को नहीं बदल पाए। आज हम तीन हैं, हम तीनों वक्त को बदल देंगे। श्याम, राधा को उसका सम्मान, एक पत्नी का अधिकार तुमको देना पड़ेगा। तुम ये मत समझना श्याम, मैं तुमसे तलाक लूंगी। तलाक औरत के लिए गाली होती है, और वो गाली मैं खुद को नहीं दूंगी। तुम्हारे घर से तो मेरी अर्थी उठेगी। राधा, तुम मेरे पति की पत्नी बनोगे डॉली के खातिर। नहीं, कभी नहीं। ये समाज और ये दुनिया कभी रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ राधा, अब सवाल इनकी मंजूरी का है। बोलो श्याम, चुप क्यों हो गए हो? डॉली को जन्म दे सकते हो तो अपना नाम नहीं दे सकते? मैं पूछती हूँ, राधा का कसूर क्या है? उसने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवता समझकर अपना तन मन अर्पण कर दिया। तुम उसके त्याग से अनजान हो गए। बेकसूर को सजा देने का हक भगवान को भी नहीं है। फिर तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक है? बोलो, जवाब दो। हम अगर तुम्हारा फैसला मान भी लें तो कानून और समाज एक पत्नी के होते दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता। जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे? हाँ, मैं जानती हूँ लोग क्या कहेंगे, खासतौर से औरतें। पर यह कदम उठाना हर औरत के बस की बात भी नहीं है। देखो रुक्मिणी, हम डॉली और राधा के लिए जो कुछ भी होगा करेंगे, हम जीवन भर उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन नहीं श्याम, औरत को जीवन गुजारने के लिए दौलत नहीं, जीवन साथी की जरूरत होती है। औलाद को उसके बाप के नाम की जरूरत होती है। सीता की तरह राधा को मैं जीवन भर
वनवास नहीं काटने दूंगी। डॉली और राधा का अधिकार हमारे घर पर उतना ही है जितना तुम्हारा और मेरा। नहीं, मेरे लिए उस घर का रास्ता खो गया है। लेकिन वो रास्ता मिल गया है राधा, और वो रास्ता शादी के मंडप से गुजरता है। मम्मी, गुड नाइट पापा। का खत पढ़ रही हो इतने प्यार से? मम्मी का। मैंने उन्हें लिखा था कि मुझे तुमसे तुमसे क्या मोहब्बत है। तो उसका जवाब आया है। क्या लिखा है? अरे बताओ तो सही क्या लिखा है। अरे बताओ तो सही क्या लिखा है। लिख दिया है ये मम्मी ने खत में। क्या लिख दिया है ये मम्मी ने खत में कि हमें प्यार करना मना है। और क्या लिखा है? हमने भेजा था कॉलेज में तुमको, खूब अच्छी तरह लिखने पढ़ने। हमने भेजा था कॉलेज में तुमको, खूब अच्छी तरह लिखने पढ़ने। छोड़ करके लिखाई पढ़ाई, तुम लगी हो किसे प्यार करने। प्यार जिससे thank you.
आगे क्या लिखा है? वो जो ले जाना चाहे सिनेमा, कभी जाना नहीं साथ उसके। वो जो ले जाना चाहे सिनेमा, कभी जाना नहीं साथ उसके। मीठी बातों से बहलाए तुमको, फिर भी जाना नहीं पास उसके। जिस गली में तेरा दीवाना, उस गली से गुजरना मना है। वो जिस गली में हो तेरा दीवाना, उस गली से गुजरना मना है। लड़के चालू, हाँ लड़के चालू, बहुत आज कल है, उनपे एतबार करना मना। दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए सर, हमारी छुट्टियां हो गई हैं, कल हम बॉम्बे जा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा है बच्चों। बंबई शहर जाके अपने अपने माँ बाप से आशीर्वाद जरूर ले लेना, क्योंकि बगैर माँ बाप के आशीर्वाद के जिंदगी में असली रंग नहीं आता। मेरी ये राय, हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, रब भाग लाए तुहानु। अरे शाम, बेटी के आते ही दोस्तों को भूल गए तुम? अरे तुम भी कोई भूलने की चीज हो नरेन। नमस्ते अंकल। हाय राजा। हाय डॉली, हाउ आर यू? फाइन। तुम्हारा रिजल्ट निकला? निकला भी और फर्स्ट क्लास भी मिला। वैसे उम्मीद तो नहीं थी। वैसे उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, पर राजा पास हो गया। इसके फेल न होने की खुशी में बहुत ही जल्द एक पार्टी दूंगा तुम सबको। प्रॉमिस। अरे श्याम, वो वादा ही क्या जो वफा न हो। अरे भाई, वकील से शायर कब बन गए? अपनी शायरी तो तब से खत्म हो गई जब से राजा की मां नहीं रही। शायरी तो रमा करती थी, राधा भाभी से पूछो, इनकी तो गहरी दोस्त थी वो। हाँ भाई साहब, मुझे रमा की बहुत याद आती है, लेकिन शायद अच्छे लोग भगवान को कुछ ज्यादा ही प्यारे होते हैं। अरे रुक्मणी, नरेंद्र के साथ राजा भी आया, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो ना। हाँ भाई साहब, क्या पियेंगे? अरे नहीं भाभी, देर हो जाएगी, जल्दी कोर्ट जाना, डॉली से मिलने आए थे, अब चलते। चल मैं तुझे छोड़ाता हूं। हेलो, मे आई स्पीक टू दीपिंती प्लीज? यू वांट टू स्पीक टू दीपिंती? जस्ट अ मिनट दीपिंती, तुम्हारा फोन। हेलो, कौन थे? पापा थे, मम्मी भी यहीं खड़ी हैं। तो मिलने आ जाओ। एक मिनट। हाँ मम्मी, वो अमित है, वो आप सबसे मिलना चाहता है। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, उसे फौरन बुला लो भाई। क्यों? अमित है? नमस्ते सर। अरे आओ अमित, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्यों? लड़का तो अच्छा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे आओ बैठो ना अमित। सर मैं जरा जल्दी में हूँ, शाम को हमारे घर पे पार्टी है, डैडी ने खास तौर पे डॉली को इनवाइट किया है। डैडी ने या तुमने? जी। हाँ। Cheers for my son. Cheers. Cheers. भाई मेहरा साहब, आज तो आपने कानून के वो दांव पेच दिखाए कि खून का सारा मामला उल्टा करके रख दिया और अपने क्लाइंट को फांसी के फंदे से बचा लिया। भाई वाह साहब वाह। मिस्टर कपूर, उसूल और कानून दो ही बातें तो मेरी जिंदगी ही, लेकिन साहब अजब जमाना आ गया है। आजकल लोग ना तो समाज के उसूलों की परवाह करते हैं और ना कानून की। ऐसे लोगों को ज़हनी बीमारी तो कहा जा सकता है, ऐसे ही लोग तो समाज और कानून के दुश्मन होते हैं। अरे बार बार उधर क्या देख रहा है? अरे तू नहीं समझेगा यार। तो
पापा ये दिपेंती जी। अरे भाई हम तो देखते ही पहचान गए थे, इतनी स्वीट लड़की दिपेंती के अलावा और कौन हो सकती है, am I right? थैंक यू सर। तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो, अरे भाई दिपेंती के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाओ। गो गो गो, राइट अवे सर। दिपेंती तुम अमित को बहुत पसंद करती हो जी। अमित भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। अरे भाई तुम अपने पापा का नाम तो बताओ और ये बताओ वो करते क्या हैं? जी मेरे पापा का नाम डॉक्टर श्याम वर्मा है। डॉक्टर श्याम वर्मा, भाई ये नाम तो कुछ जाना पहचाना से लग रहा है। डॉक्टर श्याम वर्मा, एक्सक्यूज मी। अरे ये तो वही डॉक्टर श्याम वर्मा है जिनकी दो बीवियां हैं, एक से तो शादी कर ली और दूसरी को घर में बिठा लिया। I see. You stay there, young man. ये सामने बाहर जाने का रास्ता है, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप बिना कुछ कहे वापस अपने घर चले जाओ और आइंदा फिर कभी इस घर में आने और अमित से मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम एक रखेल यानी एक मिस्ट्रेस, एक बिन ब्याही औरत की नाजायज औलाद हो। याद आ रहा है मुझे, राधा नाम है तुम्हारी मां का, उसके डॉक्टर श्याम से नाजायज ताल्लुकात थे, तुम उन्हीं ताल्लुकात का नतीजा हो। यहां से तशरीफ ले जाने के लिए इतना बस है कि कुछ और सुनना चाहती हो? नाउ गो अवे फ्रॉम हियर, गो। क्या हुआ पापा? दिपेंती रुक जाओ। अमित ऐसे बदनाम और गंदे साए के पीछे तुम्हें नहीं भागना चाहिए। मेहरा साहब ने मुझे भरी पार्टी में से बेइज्जत करके निकाल दिया, मुझ पर गंदा इल्जाम लगाया कि मैं साथन की बेटी हूँ, एक रखेल की बेटी। डॉली रहने दे उसे, अपने इस घर की दुनिया में सौतन या रखेल नाम की शब्द ही नहीं है, तू हमारी बेटी है, अपने पापा और हम दोनों की, मेरी और राधा की। लेकिन दुनिया वाले तो इसे मंजूर नहीं करते मम्मी, वो मुझे पाप के संतान समझते हैं। पाप तो उन देखने वालों के आंख में है डॉली, जो कुदरत को झुटलाना चाहते हैं और अपने मुर्दा उसूलों को आज भी समाज में चलाना चाहते हैं। लेकिन उसूल तो उनके चलते हैं मम्मी, वो तुम्हारे उसूलों को खोटा मानते हैं। खोट तो सोने में भी होती है, पर सच्चा सोना वही होता है जो आग में तप कर निकलता है। तू भी वही सच्चा सोना है। हाँ डॉली, तो एक जीती जागती सच्चाई है, जो इस सच्चाई को पाप कहते हैं वो खुद पापी हैं। तो फिक्र मत कर, तेरे इस सम्मान और इज्जत की लड़ाई मैं लड़ूंगी, मेहरा साहब से मैं खुद बात करूंगी। आप कुछ भी कहें मिसेस श्याम, मगर दिपेंती राधा की बेटी है, अगर वो आपकी बेटी होती, आपने उसे जन्म दिया होता, तो मैं एक बार अपने बेटे से उसकी शादी के बारे में सोच भी सकता था, मगर श्याम की नाजायज औलाद को। मेहरा साहब, औलाद तो औलाद होती है, जायज या नाजायज नहीं। मैं दिपेंती को अपने कोख से जन्मी हुई बेटी से ज्यादा पवित्र मानती हूँ। आप ऐसा मानती हैं? आपके ऐसा मानने से क्या होता है मिसेस श्याम? यह समाज कुछ उसूलों पर चलता है, इस समाज ने खुद अपने चलने के लिए पत्थर के पहिए बनाए हैं। लेकिन उसूलों के वो पत्थरीले पहिए आखिर इंसानों के लिए हैं। राधा एक शादीशुदा औरत है, श्याम की पत्नी है, ये रहा उनकी शादी का सबूत। मिसेस श्याम, ये उनकी शादी का सबूत नहीं बल्कि समाज के मुंह पर एक गंदा थप्पड़ है। कोई भी आदमी एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है? समाज और कानून दोनों ही इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन मैं श्याम की पत्नी होते हुए भी
राधा को श्याम की पत्नी मंजूर करती हूँ, इसलिए कि यह शादी मैंने खुद करवाई है। खूब, बहुत खूब। तो गोया आप अपने घर अपने लिए सौतन खुद ले आई। नहीं, सौतन नहीं, राधा मेरे लिए सीता की तरह है। आप शायद ये भूल गई कि लंका से लौटने के बाद सीता पर क्या बीती। एक मामूली से धोबी ने सीता पर अपवित्रता का इल्जाम लगाया था। बात समझने की कोशिश कीजिए मिसेस श्याम, वो मामूली धोबी नहीं था, बल्कि उस धोबी के रूप में पूरे समाज ने वो इल्जाम लगाया था। और रामायण के राम ने समाज की मर्यादा को रखने के लिए जीवन भर के लिए सीता को त्याग दिया था। ऐसे महान लोगों के त्याग ही ने समाज के उसूलों की बुनियाद को मजबूत बना रखा है। वो जमाना और था मेहरा साहब। ठीक है, यकीनन वो जमाना और था, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने पति श्याम के होते हुए किसी दूसरे मर्द को अपना पति मान सकती हैं? बोलिए, खामोश क्यों हैं? नहीं मान सकती ना। इसीलिए मैं कहता हूं मिसेस श्याम कि समाज चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसके उसूलों की इज्जत हम आज भी करते हैं। मैं कानून नहीं चलती, बस आखिरी बार यही कहना चाहती हूं, अपनी जिद की चक्की में मेरी बेटी दीपंती को मत पीसिए, उसकी मोहब्बत की इज्जत कीजिए। आप बार बार मुझसे एक ही बात मनवाना चाहती हैं कि मैं आपकी सौतन की बेटी को अपनी बहू बना लूं। मुझे इसी समाज में जिंदा रहना है मिसेस श्याम, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? यही ना कि मुझे अपने बेटे के लिए कोई अच्छे खानदान की बेटी नहीं मिली, इसलिए मैंने किसी रखेल की बेटी से उसकी शादी कर दी। आपके मन में समाज की इज्जत हो या ना हो, मेरे मन में है, और आप मेरे लिए समाज से बड़ी नहीं। इस समंदरी को लीजिए, इतना बड़ा होने के बावजूद इसने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, इसीलिए लोग समंदर की पूजा करते हैं। समंदर की पूजा तो सब करते हैं मेहरा साहब, लेकिन उसका पानी कोई नहीं पीता। हर बड़े छोटे में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन गंदे खून की बोतलें तो अस्पताल से भी फेंक दी जाती हैं, और आप एक रखेल की औलाद के खून को मेरे बेटे की नसों में चढ़ाकर मेरे खानदान के खून को गंदा करना चाहती हैं। नो, थैंक यू मिसेस श्याम, बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। श्याम, बैरिस्टर मेहरा और ये दुनिया वाले मंजूर करें या ना करें, मैं राधा बाबी को हमेशा तुम्हारी पत्नी और डॉली को तुम्हारी बेटी मानूंगा, सौतन की बेटी। लेकिन वो मासूम समाज के हाथों सौतन की बेटी कहलाने की सजा तो भुगत रही है। मैं जानता हूं मेरे यार, उसका दुख तेरे दिल में एक जख्म बन गया है। वैसे डॉक्टर तो तू है, लेकिन तेरे इस जख्म का इलाज मैं करूंगा। वो देख क्या रहा है यार, डॉली तेरी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसके सर पे इज्जत का ताज पहनूंगा, उसकी शादी मेरे बेटे राजा से करवाऊंगा। नरेन, क्या कह रहा है तू? मैं दोस्ती को दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता मानता हूं, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का, तू बोल। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन यार, वो डॉली है ना, वो उस लड़के के साथ पढ़ती है, उसके साथ कहीं। मैं समझ गया, सब समझ गया। दो तरह के फूलों को एक साथ रख दिया जाए तो एक की खुशबू दूसरे में समा जाती है। स्कूल कॉलेज में ऐसे प्यार व्यार होते रहते हैं, भूल जाए इन बातों को। हिंदुस्तानी लड़कियों की यही तो एक खासियत होती है, जिसे शादी करती हैं जिंदगी भर उसे प्यार भी करती है। चल शाम, कल ही सगाई की रस्म पूरी करते हैं। कल? शुभ काम में देर किस बात की यार। नवीन, तूने दोस्ती को इज्जत का ताज पहना दिया मेरे यार। कितनी अच्छी बात है कि नरेन ने हम सबको इतनी बड़ी इज्जत दी। मेरा साहब ने जो हमारा अपमान किया, उसका जवाब हम नरेन की बात मानकर दे सकते हैं। कुछ सुन रही है तू? ऐसा क्या है अमित में जो तू उसे भूल नहीं सकती? तू जिस मम्मी की पूजा करती है, तेरी इसी मम्मी की मेरा साहब ने बेइज्जती की है, क्या तुझे ये मंजूर है?
मुझे मंजूर तो नहीं है मम्मी, लेकिन लेकिन क्या क्या तू तो अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि तू तो अपने माँ बाप पर उछाले गए कीचड़ के दाग भी नहीं देख सकती? देख डॉली, तू हमारे दागों को भूल जा, अब सवाल तेरी जिंदगी का है। माना कि प्यार बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन जो सौगात अपमान और बदनामी से मिले वो किस काम की? डॉली, मैंने तेरे पापा से शादी से पहले प्यार नहीं किया था, पर तू ही बता हमारे प्यार में किस बात की कमी है? हाँ, सिर्फ तुम्हारा दिल ही कांच का नहीं बना जो टूट जाएगा। अगर इसी तरह हमारे दिल पर भी अपमान के पत्थर बरसते रहे तो ये भी टूट जाएंगे एक दिन। कैसे दिन का इंतजार है तुझे? अब आप लोग यही ठीक समझते हैं तो मुझे आपका फैसला मंजूर है। मैं अमित को भूलने की कोशिश करूंगी। मम्मी, मैं अमित को भूलने की कोशिश करूंगी। हाय राजा। हाय अमित, वेलकम वेलकम। मुबारक हो राजा, एंगेजमेंट हो गई? यार अभी तक तो पंडित ही नहीं आया। अच्छा, तेरी होने वाली का चांद सा मुखड़ा तो देखें। अरे तू देखेगा तो जल जाएगा। ओ, ये बात है? अच्छा चल देखते हैं। दिपेंति, मैंने कहा था ना बेटा जल जाएगा, जल गया ना। अभी तो चुप क्यों हो गया? जल के तो लोग दर्द के मारे चीखते हैं और तू चुप हो गया। देखा मेरे, आज इस खुशी के मौके पर चुप नहीं रहना, कुछ बोल यार, कुछ सुना। कम ऑन यार, कम ऑन, कम ऑन यार। कौन सुनेगा? किसको सुनाए? इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए? कौन सुनेगा, किसको सुनाए? इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। शीशाए दिल सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं।
अपना जी भर आया है। आज खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है। गम की कोई बात नहीं है, हमें खुशी ने रुलाया है। आंख से आंसू बहना जाए, आंख से आंसू बहना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। डॉली, 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 क्या हुआ? डॉली, डॉली। क्या हुआ? लगता है डॉली को चक्कर आ गया। ओ, क्या हुआ डॉली को? डॉली को क्या हुआ? डॉली मां बनने वाली है। क्या? जल्दी जल्दी किया फैसला, गलत भी हो सकता है। रुक्मणी, मैं एक डॉक्टर हूं, फिर एक बाप, और उसके साथ साथ एक दोस्त भी। एक दोस्त होते हुए मैं एक दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैंने तो दोस्ती के सर पे रिश्तेदारी का सहरा बांधा था, और तूने और तेरे खानदान ने तेरी बेटी का बाप मुझे छुपाया। एक दोस्त के एतबार को तो इससे बड़ा धोखा और क्या दे सकता था? देख नरेन, तू मेरी दोस्ती को गलत मत समझ। क्या कहा? गलत ना समझू डॉक्टर साहब, यह तो मेरी शराफत थी जो मैंने एक सौतन की बेटी को अपनी बहू बनाना मंजूर किया। डॉक्टर, एक जहरीला सच नंगा होकर मेरे सामने खड़ा है, और तू चाहता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? बेहतर यही होगा कि इस पाप की गठरी को उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। किसका कलंक है तेरी कोख में? बता, किसके साथ तूने मुंह काला किया है? बता, वरना मैं यही जमीन में तुझे जिंदा कर दूंगी। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि शादी से पहले क्या गलत और क्या सही है। अब तो आ गया समझ में। बता, ये पाप तूने किसके साथ किया? एक बार मैं अमीर बर्फ के तूफान में फंस गए थे। हम यहाँ से वहां चारों तरफ भटकते रहे, लाख तलाश करते पर भी शहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। शाम हो रही थी कि अचानक हमें एक कश्मीरी चाचा नजर आए। अमित ने उनसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा, तो उन्होंने बताया कि चारों तरफ बहुत जोरदार बर्फ गिरी है, शहर के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। उन्होंने हमें अपने घर आकर रात गुजारने को कहा। हमारे पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। गिरा दे इस पाप को, मैं कहती हूँ गिरा दे इस पाप की निशानी को। आपने तो आसानी से कह दिया मम्मी कि गिरा दे इस पाप की निशानी को, लेकिन जब मैं आपके पेट में थी तब क्यों नहीं गिराया मुझे? आखिर मैं भी तो पाप की निशानी थी। डॉली, होश में बात कर। मैं होश में बात कर रही हूँ मम्मी, गुस्से में तो बात आप कर रही हैं। अपनी परछाई पर पैर पड़ा तो तिलमिला उठी आप। बकवास मत कर, तुझे इस बच्चे को गिराना ही होगा। नहीं मम्मी, नहीं, आप भी तो नहीं गिरा सकी थी, इसलिए ना कि उस वक्त आप माँ थी और मैं आपके कोख में थी। डॉली, आज मैं माँ हूँ, मैं भी
भी अपने प्यार की निशानी को नहीं गिरा सकती। मैं भी अपने बच्चे को जन्म दूंगी। मैं भी इस दुनिया से उसी तरह लड़ूंगी जैसे आप मेरे लिए लड़ रही हैं। क्या कहा? डॉली, सुना सुना आपने क्या बकवास कर रही है? डॉली ठीक कह रही है। हाँ राधा, कल ही मैं उस समाज के ठेकेदार मेहरा से मिलूंगा और बात करूंगा। अब चुप हो जा डॉली, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बात बताओ, लड़का होगा या लड़की? डॉक्टर श्याम वर्मा, द गेट क्रैशर। गेट क्रैशर तो आपको नहीं कह सकते, लेकिन सिचुएशन तो वैसी ही है। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात इतनी जरूरी और नाजुक है कि मुझे आना ही पड़ा। क्या मैं आपसे 5 मिनट अकेले में बात कर सकता हूं? जानता हूं साहब क्या बात करनी है आपको मुझसे। साहिबान, डॉक्टर श्याम वर्मा मुझसे कुछ बात करने आए। कुछ दिन पहले इनकी बेटी आई थी वही बात करने, फिर इनकी बेगम तशरीफ लाई वही बात करने, और अब ये खुद आए हैं चलकर वही बात करने। मैंने कहा ना मिस्टर मेहरा कि बात इतनी नाजुक है कि नाजुक वाजुक क्या होता है साहब। साहिबान, बात सिर्फ इतनी सी है, इनकी बेटी को मेरे बेटे से मोहब्बत है, मोहब्बत। और इनकी बेटी एक नाजायज औलाद है जिसने इनकी रखेल के पेट से जन्म लिया। मिस्टर मेहरा, आप ही बताइए, आप में से कोई साहब नाजायज लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं? नहीं, कभी नहीं, नहीं। साहिबान, आप ही की तरह से मैंने भी यही कहा था कि मेरे बेटे की शादी एक नाजायज लड़की से हरगिज नहीं हो सकती। आप बार बार मेरी बेटी को नाजायज कहते जा रहे हैं और मेरी बात सुने बगैर अपना फैसला दोहराते जा रहे हैं। समाज के उसूलों के खिलाफ जो काम आपने किया है उसकी सजा आपको भुगतनी होगी, आपकी बेटी को भुगतनी होगी। क्यों साहिबान, गलत कहा मैंने? ठीक कहते हैं आप डॉक्टर साहब। दुनिया में कितने ही नाजायज लड़के पड़े हैं, उनमें से किसी एक के साथ शादी कर दो अपनी बेटी की। मैं बात बंद करो। डॉक्टर श्याम, इससे पहले के पार्टी का मजा किरकिरा हो, आप यहां से चले जाएं। मिस्टर मेहरा, जिन पैरों से मैं यहां आया हूं उन्हीं पैरों से मैं वापस भी चला जाऊंगा। मेरे दिल में अब भी थोड़ी सी इज्जत है आपके लिए, इसलिए अकेले में मेरी बात सुन लीजिए। मुझ में सुनने का हौसला है, अगर तुम में कहने की हिम्मत है तो कहो सबके सामने। आप नहीं मानते तो सुनिए, मेरी बेटी आपके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। ब्लैकमेलिंग का ये नया तरीका निकाला है तुमने? ये ब्लैकमेलिंग नहीं, एक सच्चाई है। तुम्हारा बेटा भी एक नाजायज औलाद का बाप बनने वाला है। बंद करो ये बकवास। जानता है तू एक कानूनी आदमी के सामने खड़ा है, तेरी ये जुरत इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकालूं, इससे पहले कि आप इन्हें धक्का देकर बाहर निकालें, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुना तुमने? सुना ये डॉक्टर क्या बकवास कर रहा है? सुन लिया, अब आप भी सुन लीजिए डैडी। दिपिंती की कोख में जो बच्चा है वो हमारे प्यार का फूल है। What? मुझ में और मेरी मोहब्बत में इतनी हिम्मत है डैडी कि मैं ये सच्चाई खुलकर मंजूर करूं, मैं दिपिंती से शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहा है? एक मामूली सी गिरी हुई लड़की जो समाज की नजरों में पाप की तस्वीर है उससे शादी करेगा? हाँ करूंगा। वो आपके लिए पाप की तस्वीर हो सकती है मगर मेरे लिए पूजा का फूल है। आप उसूल और कानून के नशे में बेहोश हैं डैडी, आप तो इंसानों को भी कानून की किताब की तरह पढ़ते हैं। खामोश बदतमीज। आज मैं खामोश नहीं रहूंगा, इतना सुन लीजिए आप। मैं अब जीऊंगा तो दिपिंती के लिए, मरूंगा तो दिपिंती के लिए। आप भूल जाइएगा कि आपको कोई बेटा भी था। शादी का निमंत्रण पत्र भेज दूंगा, वक्त मिले तो जरूर आइएगा।
आइए सर। डॉक्टर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। फेरों का कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। रोक दीजिए ये शादी। शादी रोक दीजिए? क्या मतलब? शादी तो हो चुकी। ओह, द क्राइम इज ऑलरेडी कमिटेड। जुर्म पूरा हो चुका है। इनको गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर। गिरफ्तार कर लीजिए? क्या जुर्म किया है हमने? क्या गुनाह हमारा? बहुत बड़ा गुनाह किया है तुम सबने। डॉक्टर श्याम, तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? डॉली 16.5 साल की है। गोया के नाबालिग है। लड़की की उम्र 16.5 साल और अमित की उम्र 20 साल। न लड़की ने 18 साल पूरे किए और न लड़के ने 21 साल। दोनों नाबालिग, और कानून के तहत नाबालिगों की शादी कराना एक जुर्म है। शादी करवाने वाले मां बाप और पंडित सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दफा 496 IPC के तहत आप सब मुजरिम हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको इंस्पेक्टर। अगर यह जुर्म है तो इस जुर्म का जिम्मेदार मैं हूं। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए। देखो इंस्पेक्टर, आज तो इन बच्चों की नई जिंदगी शुरू हो रही है। आई एम सॉरी डॉक्टर श्याम, गुनाह आप सबने मिलकर किया है। मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा आप शरीफों की तरह मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले चले, प्लीज। डॉक्टर श्याम, आप सबकी जमानत हो गई। किसने दी जमानत? वो साहब ने। अपने दोस्त को माफ कर देना श्याम। तेरी दोस्ती पे हमेशा नाज रहेगा मेरे यार। योर ऑनर, ये बिगमी का सही और ठोस केस ही नहीं बल्कि एक नाजायज औलाद का मामला भी है और नाबालिगों की शादी कराने के जुर्म का मुकदमा भी। डॉक्टर श्याम वर्मा, आपकी पहली पत्नी मिसेज रुक्मणी वर्मा क्या आपके साथ रहती हैं? जी हाँ। तो फिर आपको राधा से दूसरी गैरकानूनी शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं अपनी बेटी दीपिंती को अपना नाम देना चाहता था। योर ऑनर, डॉक्टर श्याम अपनी हवस और वासना पर पर्दा डाल रहे हैं। बेटी को नाम देना तो सिर्फ एक बहाना है। जरा देखिए योर ऑनर, राधा जैसी खूबसूरत औरत इनकी बीवी बन सके इसलिए इन्होंने उसकी बेटी को अपना नाम दे दिया। सच्चाई यही है योर ऑनर। ये गलत है जित साहब। सवाल राधा की इज्जत का था, एक बिन ब्याही मां की सम्मान का भी था। इससे पहले की राधा समाज के लिए गाली बन जाती, मेरे पति ने उसे पत्नी का दर्जा देकर पाप को पुण्य में बदल दिया। पाप को पुण्य में नहीं रुक्मणी जी, बल्कि डॉक्टर श्याम वर्मा ने समाज और कानून की मर्यादा तोड़कर पुण्य को पाप में बदल दिया। योर ऑनर, अब मैं इनकी गैर कानूनी बीवी राधा जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। राधा जी, अपनी शादी से पहले क्या आपको मालूम था कि डॉक्टर श्याम एक शादीशुदा आदमी है? जी, मुझे मालूम था। इसके बावजूद आपने डॉक्टर श्याम से गैर कानूनी शादी की? गैर कानूनी नहीं वकील साहब, जिंदगी ने इतना वक्त ही नहीं दिया कि मैं दुनिया के कानून जानती। दिल की दुनिया से मैंने जिंदगी शुरू की थी, बस उसी दिल के कानून जानती हूँ। झूठ बोलती हैं आप। आपने डॉक्टर श्याम वर्मा से जानबूझकर शादी की। पहाड़ सामने खड़ा हो और आप कहती हैं आपने पहाड़ को देखा ही नहीं। मैं कब इनकार करती हूँ कि मैंने पहाड़ को देखा नहीं, लेकिन क्या कभी किसी ने पहाड़ से उसकी ऊंचाई पूछी है? पहाड़ की ऊंचाइयों के सामने सबके सर झुक जाते हैं वकील साहब। मेरा सर भी उसी तरह श्याम के सामने झुक गया था। खूबसूरत शब्दों को समेट कर कहानियां खूब घड़ते हैं आप लोग।
ये कहानियां नहीं है मिस्टर मेहरा, ये सारी सच्चाइयां। श्याम और राधा ने जो गलती शादी से पहले की थी, ये शादी करके उन्होंने उसी गलती को तो सुधारा है। सुधारा नहीं, बल्कि समाज और कानून के उसूलों को तोड़ा है। मिसेस श्याम वर्मा, क्या यह सच है कि डॉक्टर श्याम वर्मा और राधा की शादी आप ही ने करवाई थी? जी हां। ये जानते हुए भी कि यह शादी जुर्म है, गैर कानूनी है? जी साहब, मैं भी एक औरत हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे राधा के सारे दुख दर्द मेरे दुख दर्द हैं। राधा को उसकी मां का सिंदूर देकर कौन सा गुनाह किया है मैंने? बहुत गुनाह किए हैं आपने मिसेज रुक्मणी वर्मा, और इन गुनाहों के लिए एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। सबसे बड़ा जुर्म आपने किया है नाबालिग बच्चों की शादी करा के। शादी कोई जुर्म तो नहीं है वकील साहब, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि प्यार क्या कानूनी किताब पढ़कर किया जाता है? प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चों की शादी जानबूझकर कराना एक संगीन जुर्म है, और यह जुर्म आप सबने मिलकर किया है, सोच समझ कर किया है। आप सबने इस मुल्क के कानून को तोड़ा है। लेकिन कुदरत के कानून को भी मत भूलिए, कुदरत से मत लड़िए वकील साहब। जरा सोचिए, किसी कली को कोई फूल बनने से रोक सकता है क्या? लेकिन हर कली कोर्ट के कॉलर में नहीं लगाई जाती मिसेज रुक्मणी वर्मा, और हर फूल गुलदस्ते में नहीं सजाया जाता। योर ऑनर। यस। मुझे अदालत से कुछ कहना है। इजाजत है। योर ऑनर, मैं दीपिंती हूँ। मैं वकील साहब के गुलदस्ते में सजने वाला फूल नहीं। अगर कोई गुनाह हुआ है तो उसके जिम्मेदार ना मेरे माँ बाप है और ना अमित, क्योंकि आपके समाज ने, आपके कानून ने मुझे अपनी इस कच्ची उम्र के मोड़ पे ये नहीं बताया कि क्या गलत है और क्या सही। आपका कानून तो गलती करने के बाद तलवार लेके सामने खड़ा है, जो कह रहा है कि मेरी शादी गलत है, जो कह रहा है कि मैं अपने होने वाले बच्चे को मार दूं, अबॉर्शन करवा दूं। कैसा कानून है आपका जो बच्चे को मार तो सकता है, जिंदगी दे नहीं सकता? आप मुझे कैद कर सकते हैं, मेरी उम्र को नहीं। जिस दिन मैं बालिग बन जाऊंगी, हमीद से फिर शादी करूंगी और अपने बच्चे को इज्जत की जिंदगी दूंगी। योर ऑनर, इस लड़की दीपिंती ने जो कुछ कहा ठीक ही कहा। एक कमसिन लड़की इसके अलावा और कह भी क्या सकती है? बालिग होने के बाद यह अमित से फिर शादी करेगी, बड़ी मुनासिब बात है। लेकिन दीपिंती, कल क्या होने वाला है इस दलील से तुम्हारा कसूर कम तो नहीं हो जाता? तुम्हारा गुनाह आज भी जुर्म है और कल भी जुर्म ही रहेगा। योर ऑनर, जरा सोचिए, जब ऐसे पढ़े लिखे लोग कानून तोड़ते हैं तो फिर अनपढ़ क्या करेंगे? फिर इस मुल्क में उसूलों की, कानूनों की, अदालतों की जरूरत क्या है, मतलब क्या है? ये गुनाहगारों का खानदान है योर ऑनर, जैसा शौहर वैसी बीवी, जैसी मां वैसी बेटी। नाजायज औलादों और गैर कानूनी शादियों के सिलसिले को खत्म करना पड़ेगा योर ऑनर, अभी और यही। इन मुल्जिमों के बयान से साफ जाहिर है योर ऑनर, इन सब ने नाबालिगों की शादी कराने का जुर्म किया है। इसलिए मेरी यह अदालत से दरखास्त है कि दफा 496 आईपीसी के तहत इन सबको सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, Your Honor. अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या लगता है नरेन? I'm sorry, श्याम। हम ये केस हार जाएंगे। तुम क्यों आए हो तुम यहां? दया की भीख मांगने। कौन समूह लेकर आई हो मुझसे दया की भीख मांगने? बिना हमदर्दी कोई किसी पर दया नहीं करता, कोई किसी को भीख नहीं देता, और मुझे तुमसे और तुम्हारी इस बेटी से नफरत है, नफरत। तुमने और तुम्हारी इस नागन बेटी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, इस घर का चिराग छीन लिया,
चली जाओ यहाँ से। देखिए, मैं और मेरी बेटी आपके गुनहगार हैं। आप हमें जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन अमित श्याम और उनकी पत्नी को आप क्षमा कर दीजिए और अपनी बेटी को वापस कर ले आइए। कल अदालत में क्या फैसला होने वाला है शायद तुम लोगों को इसका अंदाजा हो गया है। श्याम, उसकी पत्नी, तुम और तुम्हारी बेटी और अमित, सबको सजा हो जाएगी। इसलिए तुम कोई चाल चलने आई हो? नहीं, कोई चाल नहीं। आपसे विनती है, उन तीन मासूम जिंदगियों पर कोई इल्जाम न लगने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये मुकदमा वापस ले लीजिए। क्यों वापस ले लूं? मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता, किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकता। जरा सोचिए, दोनों बच्चे ही तो हैं, इनसे गलती हो गई है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि हमें चाहेगा भी तो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। चुप बोलती हो तुम। आपको यकीन नहीं आता तो मैं अभी इसी जगह इसका गला घोंट देती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कोई माँ अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। मुझे कमजोर मत समझिए वकील साहब, अगर मैं इसे जन्म दे सकती हूँ तो इसकी जान भी ले सकती हूँ। मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी मैं। स्टॉप इट, स्टॉप इट। तुम आज ही रात इसे साथ लेकर कहीं चली जाओगी और फिर कभी इस शहर की तरफ और अमित की तरफ रुख नहीं करोगी। वादा करो। मैं वादा करती हूं वकील साहब, ऐसा ही होगा। ठीक है, जब हमें यह यकीन हो जाएगा कि तुम ये शहर वाकई छोड़कर चली गई हो तो हम अपनी औलाद की खातिर ये मुकदमा वापस ले लेंगे। बस भी करो रुक्मणी। श्याम, आज मुझे लग रहा है जो भी मैंने किया गलत किया अच्छा ही होता। राधा डोली के साथ गुमनामी की जिंदगी गुजार लेती। रुक्मणी, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी महानता थी। मेरी महानता नहीं श्याम, मेरी भूल थी। मैं राधा और डोली के जीवन में फूल खिलाना चाहती थी, लेकिन समाज और कानून के कांटों ने उन्हें घेर लिया। उनके होठों से मुस्कुराहट छीनकर आंखों में आंसू भर दिए। ये सब मेरी भूल की वजह से हुआ ना श्याम। जो ना था हो गया, तुम अपना जी छोटा मत करो। नहीं श्याम, मैं तुम सबको जेल के सलाखों के पीछे कैसे देख सकूंगी? ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हिम्मत रखो श्याम, मेरे समझ में नहीं आता कि राधा और डोली की खुशियां मैं कैसे लौटाऊं। मैं क्या करूं श्याम? रुक मैं। मेरे समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं मम्मी पापा और अमित के बिना नहीं रह सकती। तू उनके बिना नहीं रह सकती ठीक है, मगर उन सबको सजा हो जाए क्या ये तुझे मंजूर है? हमारे चले जाने में ही उन सब की भलाई है, ये तो क्यों नहीं समझती डॉली? मैं सब समझती हूँ मम्मी, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा दिल तो पत्थर का हो गया है, तू शायद उन्हें जेल की सलाखों के पीछे देख सकती है, लेकिन मैं नहीं देख सकती। ठीक है, तू मेरे साथ नहीं चलेगी ना? मैं ही इस दुनिया से चली जाती हूँ। आपको मेरी कसम, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप ये चाकू फेंक दीजिए प्लीज मम्मी, प्लीज। ठीक है चल मम्मी। अब क्या है? आखिरी बार मैं मम्मी पापा के दर्शन कर लूं प्लीज मम्मी। ठीक है। ओ
छोड़कर जा रही हो? हाँ। इस घर के बाहर क्या रखा है तुम्हारे लिए? और इस घर में क्या रखा है मेरे लिए? तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा सम्मान इसी घर के चार दीवारी में है। ना हमें समाज ने मंजूर किया है, ना कानून ने। अब हम कौन सा मुंह लेकर इस घर में रहें? पति से बढ़कर ना समाज है ना कानून। श्याम ने तुम्हें जीवन साथी बनने का अधिकार दिया, पति का प्यार दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? ये सब आपके सोचने का तरीका है, मेरा नहीं। इस घर पर, शाम पर सिर्फ आपका अधिकार है, मेरा नहीं। बस तूने यही समझा, सिर्फ इतना ही समझा? तो क्या गलत समझा मैंने, बोलो क्या गलत समझा मैंने? अरे पगली, मैं तो सिर्फ शाम की पत्नी हूं, लेकिन तू तो शाम का प्यार है। तू साजन का प्यार।
किया तुमने? श्याम, ये पगली घर छोड़कर जा रही थी, क्या मैं इसे जाने देती? अमित, जल्दी करो, रुक्मिणी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं, नहीं श्याम, मुझे ईश्वर के शरण में जाना है, लेकिन लेकिन पहले तुम और राधा एक वादा करो। कैसा वादा रुक्मिणी? श्याम, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे घर से मेरी अर्थी निकलेगी। रुक्मिणी, लेकिन लेकिन मेरी अर्थी तब निकालना जब जब तुम और राधा समाज और कानून के ठेकेदारों के सामने साथ फेरे ले लो और वो सब राधा को तुम्हारी पत्नी मान ली और डॉली को तुम्हारी बेटी। रुक्मिणी, 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 श्याम, वादा करो। रुक्मिणी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी श्याम, वादा करो। हाँ रुक्मिणी, 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 oh.
दिन का।